नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। परमबीर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए होटल, रेस्टोरेंट और बार से वसूली करके लाने का टारगेट दिया था, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो गया है। रविवार को संविधान चौक पर भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर की ओर से रविवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इन सारी घटनाओं के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख के सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गृह मंत्री के घर का घेराव कर गृह मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले की जांच अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के गंभीर आरोपों के बाद से गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। अनिल देशमुख वसूली के आरोप में फंसे हैं। प्रदर्शन में चंद्रशेखर बावनकुले, अनिल सोले, प्रवीण दटके, संजय भेंडे, डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर सहित कई पदाधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदर्शन में मौजूद बीजेपी के अनेक नेताओं ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी अनिल देशमुखांचा राजीनामा मागते आहे। घूम नीचे करो रे सब लोग। 100 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचाराचा डिमांडचा आरोप झाल्यावरही आतापर्यंत गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही। संवेदनशील जर व्यक्ती असते तर राजीनामा दिला असता, पण अजून राजीनामा नाही। आम्ही आज भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जोपर्यंत अनिल देशमुख राजीनामा देत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करणार आहोत। प्रवीण दटके, संदीप जोशी आणि सर्व आमदारांनी या ठिकाणी अनिल देशमुखाकरता पैसेही प्रदान केले। आम्ही ते पैसे आम्ही त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत पाठवणार आहे। वसुली अभियान आहे हे। वसुली अभियान आमच्या खिशात जेवढे होते तेवढे पाठवले आहे। मला हे कळत नाही की अनेक फ्लोअरवर अनिल देशमुख आणि उद्धव ठाकरेजी बोलले की परमवीर सारखा चांगला अधिकारी नाहीये। पोलीस कमिशनर म्हणून त्यांची नियुक्ती केली या सरकारने, उत्कृष्ट अधिकारी म्हणून डिक्लेअर केला आहे। अनेक प्लॅटफॉर्मवर अनिल देशमुख आणि उद्धव ठाकरेजी बोलले आहे। अनेक मंत्री अनिल देशमुख त्या ठिकाणी परमवीर सिंगाचं स्वागत केलं आणि आज तुमची डिमांड पूर्ण झाली नाही, तुम्ही मागितलेले 100 कोटी महिन्याचे मिळाले नाही आणि म्हणून आज आरोप फेटाळतायत। राज्यातला कधी अशी घटना घडली नाही। राज्यातला एवढा सिनियर ऑफिसर जो सीपी राहतो मुंबईचा, त्यांनी पत्र लिहिल्यानंतर एका सेकंदात राजीनामा देऊन वेगळं व्हायला पाहिजे होतं। ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे आणि त्यामुळं या ठाकरे सरकारमधले भ्रष्टाचार तर बाहेर यायला लागले आणि या पद्धतीने ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराचा आरोप झालाय हा प्रचंड मोठा आरोप आहे। या सरकारमधल्या अनिल देशमुखांना पदावर राहण्याचा एकही मिनिट अधिकार नाही आहे। तात्काळ राजीनामा द्यावा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी रोज आंदोलन करेल आणि अनिल देशमुखाचा जोपर्यंत राजीनामा होत नाही आम्ही आज सरकारला सोडणार नाही।